जमायत उलमा हिंद महाराष्ट्र में कांग्रेस से वोट के लिए कई शर्तें मांग रही है। उसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा था, हम विचार करेंगे। बाद में गोल मटर होने लगा जब बड़ा विषय बन गया। हमारे पास ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आप देश के संविधान, महाराष्ट्र की एकता अखंडता के खातिर अपने का मत का उपयोग सही करोगे, शरीयत में दखलंदाजी मंजूर है, क्या मुसलमानों से अधिकार छीनने वालों को वोट करोगे, समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे, वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे, कई चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, कसकर चल रहा है और चलाया जा रहा है, हमारा आरोप है। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टिकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं, यह हमारा आरोप है। कई जगह एनजीओ बनाए गए हैं, बाकी काम हो रहा है। तो महाराष्ट्र में कहानी चल रही है। अब ये देखिए, जमायते उलमा जिला लोहरदगा का पैगाम है छोटा नागपुर का, क्योंकि महाराष्ट्र की कहानी पूरी हुई, अब छोटा नागपुर की कहानी भी रखना जरूरी है। हम पढ़ना चाहते हैं, मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक में जो रवैया है और जिस तरह मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा वक्फ कानून लाकर घुसपैठिए के बहाने डराया धमकाया जा रहा है, उस सिलसिले में जमायत उलमा झारखंड से मशविरा के बाद जमायत उलमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुनहिद होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट दें। तो ये पूरा झारखंड की कहानी है, मैंने आपको वहां की कहानी बता दिया। महाराष्ट्र की प्रियंका गांधी लड़ रही है वायनाड में, जमायते इस्लामी उनके समर्थन में कसकर भिड़ी हुई है। यह आरोप हमने नहीं लगाया, वहां के मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने तीन तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी, और आज इतने साल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं, न समझती है न सुधरती है, ऐसे ही तत्वों के बहाने चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। यह है कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया गठबंधन की सच्चाई। द बीजेपी इज वेरी क्लियर द कांग्रेस पार्टी इज कंस्पायरिंग विथ ऑल द कंजर्वेटिव एलिमेंट, डिवाइसिव एलिमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटीज फॉर द सेक ऑफ वोट, बिकॉज दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट इमिनेंट डिफीट। हार सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए यह हो रहा है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल है, कुछ आपको हम इतिहास में जानना चाहते हैं। आपको याद होगा रंगनाथन कमीशन आया था मनमोहन सिंह के समय में, जब प्रधानमंत्री थे,
सच्चर कमीशन आया था। आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं, ओबीसी में जो जेन्युइन ओबीसी का हिस्सा है तो एक प्रकार से तो आप उसका हक मारते हैं। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं उसके बारे में विचार होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे,